मैंने ख़रीद लिया है पोको के तरफ से आने वाला पोको F5 5G फ़ोन, जो कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसकी प्राइस 8GB और 256GB का प्राइस है 3000 रुपीज़। मुझे इसे बहुत ही कम में मिल गया था। इसमें है इंडिया का पहला 7+ Gen 2 प्रोसेसर, और इसमें है एमोलेड डिस्प्ले जो कि है 12 बिट का डिस्प्ले है, और इसका पीक ब्राइटनेस है 1000, और इसका टच सैम्पलिंग रेट है 120 हर्ज। आप देख सकते हैं पहले एक बॉक्स है, उसके नीचे हमारा फ़ोन है जिसका कलर है इलेक्ट्रिक ब्लू, और नीचे है टाइप सी केबल जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा 67 वाट का टर्बो चार्जर जो कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजी में बेस है, और आप इसको कोई भी रियलमी या वन प्लस के फ़ोन से चार्ज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये क्वालकॉम टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। और इस बॉक्स के अंदर कुछ पेपर है, और इसमें है एक सॉफ्ट रबर का केस जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि बहुत दिन यूज़ करने में येलो कलर हो जाएगा, तो आप कोई अच्छा सा कवर यूज़ कर सकते हैं बाज़ार से ख़रीद कर। अभी फ़ोन को देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर इलेक्ट्रिक ब्लू है। इसमें 3 कलर मिलते हैं, ब्लैक और एक है वाइट जो आइस की तरह दिखता है। आप इसका कुछ क्लोज लुक देख सकते हैं। नीचे है टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर, और ऊपर भी एक स्पीकर है, इसमें डुअल स्पीकर है, और नीचे में आपको मिल जाएगा 3.5mm जैक। और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में नहीं दिया गया है, जो कि है इसका पावर बटन में। इस फ़ोन में एक चीज़ बहुत ही पोको वालों ने अच्छा दिया है, जो कि है इसमें 2 साल का वारंटी। अभी तक इंडिया में कोई भी फ़ोन 2 साल का वारंटी नहीं दे रहा था, और इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 14 मिल जाएगा, और एंड्रॉयड वर्सन आपको 12 मिल जाएगा, जिसने पोको वालों ने प्रॉमिस किया है 2 साल एंड्रॉयड अपडेट आपको मिलेगा, और 3 साल MIUI का अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसके डिस्प्ले में। इसका डिस्प्ले में आपको डार्क मोड भी मिल जाएगा, और इसमें डिस्प्ले को आप वार्म भी रख सकते हैं, कूल भी रख सकते हैं, और इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज है, इसलिए आप स्विच कर सकते हैं 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में। और इसमें एक HDR एनहांस का मोड दिया गया है, जिसको आप ऑन करेंगे तो पिक्चर बहुत ही अच्छा आएगा। इसका डिस्प्ले का क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसमें 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, और 1000 पीक ब्राइटनेस है, और इसमें है डॉल्बी एटमॉस। आपने सुनी लिया होगा स्पीकर का साउंड, और इसमें है 64 मेगापिक्सल का सोनी का मेन कैमरा, और 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, और वीडियो में आपको मिल जाएगा 4K 30fps, 120p 60fps और 30fps। कैमरा का कुछ सैंपल आप देख सकते हैं। कैमरा का सैंपल में कुछ एक डेडिकेटेड वीडियो कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगा। आप सेल्फी का डेमो भी देख सकते हैं। और इसको मिलेगा, इस पर मिलेगा आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये फ़ोन नया लॉन्च हुआ है, इसलिए इस फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र दिया गया है।
एक तो एक आप कोई भी फ़ोन से एक्सचेंज करेंगे तो 3,000 रुपये का एक आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसमें मैंने HDFC का कार्ड लगाया था तो 3,000 का मुझे डिस्काउंट मिल गया था। इस फ़ोन को मैंने ख़रीदा है 20,000